बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, नर्मदा मैया की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की। श्रीदेव प्रसाद जी, हमारे सभी साथीगण, आज आप सबने ये अद्भुत आयोजन भगवान शिवजी और नर्मदा मैया की पूजा के लिए किया। हम सब का शुभ संकल्प यही है कि हमारा देश भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। और मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत उनके हाथों से अपनी आंखों के सामने विश्व गुरु बनेगा। पूरी दुनिया को हमारा देश दिशा दिखाने वाला है, क्योंकि भारत है जिसने हजारों साल पहले कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से बताते हैं। यह हमारी धरती है जिसने कहा, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हमारी धरती है जिसने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, आत्मवत अपने जैसा, किसी में कोई भेद नहीं है। उसे तुलसी बाबा ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सीता राम है, सृष्टि के कणकण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। जैसे कबीर दास जी ने कहा, साहब तेरी साहेबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। तू सब में है, दिखाई क्यों नहीं देता? तो उत्तर यही है कि जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वैसे वो है सब में लेकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन जब साधना और तपस्या की मेहंदी रची जाती है पीस के, तो लाल रंग उछर के आ जाता है। वैसे ही भगवान सब में है लेकिन तपस्या और साधना से ही प्रकट होता है। ये अपनी धरती है जिसने कहा, एक ही चेतना हम सब में है, हम हैं ये देश, जिसने कहा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सारे विश्व का कल्याण की कामना की तो अपने देश भारत ने की। यह हमारी संस्कृति है जिसने कहा, केवल हम नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और आज माँ नर्मदा के पवित्र तट पर मैं स्पष्ट रूप से ये देख पा रहा हूँ, स्पष्ट रूप से ये देख पा रहा हूँ कि ये होगा, भारत ही ये करेगा, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो। और ये होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके हाथों से। एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद ने जो 100 साल पहले जो बात कही थी कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। आजादी के अमृत काल में वो समय आ गया मेरे मित्रों, जब भारत माता विश्व गुरु के पद पर आसीन होगी। पर हम सौभाग्यशाली हैं
कि हम उस युग में पैदा हुए हैं जब ये समय आने वाला है, नरेंद्र मोदी जी के हाथों ये संपन्न होगा, ये होने जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि हम भी इसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान दें, हम भी अपना योगदान दें ताकि संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सके। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है। और भगवान शंकर तो ओगरदानी, फक्कड़ बाबा, भोले बाबा, जिसको दुनिया ठुकरा दे उसको अपनाने वाली अगर कोई है तो वो है भगवान भोले शंकर। आप जानते हैं ऐसे देवता, ऐसे देवता कि अगर उनकी पूजा करना हो तो क्या लगता है, अगौआ के फूल से ही काम चल जाता है, बेलपत्ती से ही काम चल जाता है। अगर श्रृंगार करना हो तो भस्म के रमैया है, वो भस्म से ही श्रृंगार कर लेते हैं। आभूषण अगर चाहिए तो सांप, नाग, यही उनके आभूषण बन जाते हैं। और 56 प्रकार के व्यंजन नहीं, भांग धतूरे के भोजन में ही काम चल जाता है। दुनिया को जो ठुकरा दे उसको अपनाने वाले, जब भगवान शंकर की बारात चली तो देवता विमान सजा सजा चले। लेकिन केवल देवता नहीं थे, भूत पिशाच प्रेत, कोई एक मौका, कोई बिना मौका, कोई बहुत मोह वाले, सबको संग लेके वो चले। और जब आपने देखा हलाहल जहर समुद्र मंथन में से जब निकला, 14 प्रकार के रत्न निकले लेकिन जहर भी निकला। अब बाकी रत्नों के लिए तो होड़ लग गई, कौन ले जाए, लेकिन जब जहर निकला तो जहर कौन पिए, तो सब देवता ने कहा महादेव आप ही सृष्टि को बचा सकते हो। तो कहते हैं भगवान शिव ने रा कह के जहर अपने विषकंठ में लिया और माँ कह के यहाँ गटक के यहाँ गले में रख लिया, और जहर के प्रभाव के कारण उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए नील कंठ कहलाए भगवान भोले शंकर। आज उन भगवान भोले शंकर की हमने उपासना की है, पूजा की है, वो सब पर कृपा की वर्षा करें, सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सब पर आशीर्वाद की वर्षा करें। और उनसे यही प्रार्थना है कि हमारा देश विश्वगुरु बनकर भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कराए, यही हमारी प्रार्थना है। और ये होने वाला है क्योंकि शायद यही समय है, सही समय है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। हम सब अपना योगदान दें। आज इतने आनंद से पूजा हुई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आनंद की नर्मदा तट पर जैसे वर्षा हो रही थी, ऐसी पूजन मैंने पहले कभी, पहली बारी, जिसमें सब भाव मग्न होके, भाव विभोर होके भगवान शिव की भक्ति में डूबे थे। आपको बारंबार प्रणाम, पूरी मंडली को प्रणाम, क्या आनंद की वर्षा की है। और रमाकांत जी आपको विशेष रूप से प्रणाम, क्योंकि मुझे कैसी पूजन होनी है, मुझे तो आपने कहा कि पूजन होनी है नर्मदा तट पर, आपने ये आयोजन किया, साहेगंज वासियों ने ये आयोजन किया, इसलिए मैं सभी साहेगंज वासियों को भी प्रणाम करता हूँ। आपको बारंबार प्रणाम, ये आनंद के क्षण आते रहे और हमारा जीवन जनता के लिए उपयोगी बनता रहे, अपने देश के लिए उपयोगी बनता रहे, इसी प्रार्थना के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।